यही कहते हैं कि रात में भूत आता है या कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं भूत किस्म के, मतलब इसीलिए लोग आदमी कहते हैं कि भूतिया महल है। अच्छा, ये लखनऊ का भूतिया महल है। हाँ, बच्चों जैसे आवाज़ आती हैं चीखने की, रोने की, रोने की आवाज़, और जैसे पायल बजती हुई, जैसे मतलब कोई लेडी चल रही हो पायल बजती है। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस न्यू ब्लॉग में। तो आज का व्लॉग गाइस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो लखनऊ के बटलर हाउस के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड माना जाता है। तो चलिए कवर अप करते हैं एंड आपको भी दिखाते हैं। तो गाइज बात करी जाए इस कोठी की, तो ये 108 साल पुरानी कोठी है एंड तब से ये वीरान पड़ी है एंड इसको बनवाया था राजा महमूदाबाद ने 1915 में। और ये कोठी बनवाना स्टार्ट हुई थी 1915 में एंड 1921 में गोमती नदी में जब बाढ़ आई थी तो बाढ़ की वजह से इस बिल्डिंग को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचा था, जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया था एंड जब से ये ऐसे ही खंडर और वीरान है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हम लोग कहाँ पे सत्यम भाई, बैटल हाउस। बैटल हाउस ज़्यादा डरावनी चीज़। कौन सा हाउस? बटल हाउस के? मैं जाहिल। बटलर हाउस। हाँ, बटलर हाउस। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस बहुत ज्यादा अंधेरा है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा डर ज्यादा गया हूँ। टॉर्च के सहारे से हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है, देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट टाइम क्या हुआ है वैसे? अभी 5 बज रहा है और 5 बजने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अंधेरा यहाँ पे हो गया। यहाँ से ऊपर स्टेयर्स जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है, बट हम लोग चलते हैं। अगर इतने स्टेयर्स रियल में हम लोग चलते होते सच्चा, ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉकेज है। भाई डर चुके हैं बुरी तरह, क्योंकि अजीब अजीब चीज़ बढ़ गई एकदम से। देखिए और गाइस अवध में ये पहली कोठी थी जिसको राजस्थानी स्टाइल में बनाया गया था। आप देख सकते हैं कि इसमें काफी जगह राजस्थानी स्टाइल की चीजें यूज करी गई हैं। ऊपर से दरवाजे टूटे पड़े, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये टूटा हुआ है, ऊपर दरवाजे सब टूटा पड़ा है, आराम से चलने वाला है। ये यहाँ पे दरवाजा टूटा है, ये पूरी ढह चुकी है बिल्डिंग, मुझे नहीं। ये यहाँ से काफ़ी ब्लॉक हो चुका है एंड यहाँ से जाना पॉसिबल नहीं होगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा अंधेरा है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो भाई बहन हैं उनकी कलाकारी, यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ कितना पढ़ने में मन लगता है। बाहर से देखने में कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है, बट अगर आप थोड़ा सा यहाँ से आगे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे ये मैं खुद नहीं बता सकता। तो गाइज आपको ये बता दें, हमने अपनी इतनी सारी डेस्टिनेशन अभी तक यहाँ पे करी हैं, बट ऐसी ख़तरनाक डेस्टिनेशन पहली बार कर रहे हैं। चलिए आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं, न्यू चीज़ दिखाते हैं कि लखनऊ में बहुत रेयर जगह या बहुत पुरानी जगह यहाँ पर आपको गिद्ध देखने को मिलते हैं। मैं फोकस करता हूँ, शायद आपको यहाँ पीछे पीछे देखिए बैकग्राउंड में। ये देख सकते हैं स्टेयर्स नीचे की तरफ जा रही हैं, हम लोग भी नीचे जा रहे हैं, बट राउंड राउंड करके इतनी ज़्यादा स्टेयर्स हैं कि हम लोग पता नहीं कितने स्टेयर्स नीचे जाने के लिए। कोई ना, चलते हैं यार। तो गाइज हम लोग ऊपर के फ्लोर में कवर अप करने के बाद अब नीचे वाले फ्लोर में आ चुके हैं एंड ये सबसे हवेली का ग्राउंड फ्लोर है, तो यहीं पर कवर अप करते हैं थोड़ी देर तक। यहाँ पे बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है,
एंड टॉर्च से भी कुछ यहाँ पे खास पता चल नहीं रहा है, तो मेक श्योर आप लोग यहाँ पे मत आइए क्योंकि ये व्लॉग देखिए। एंड व्लॉग में मैं काफ़ी चीज़ें कवर अप कर दे रहा हूँ, पहले तो ये हम लोग को काफ़ी मज़ा आ रहा था बट धीरे धीरे थोड़ा सा हम लोग को भी यहाँ पे डर लग रहा है, लिटरली इतना ज़्यादा सन्नाटा है एंड काफ़ी चीज़ें हैं, तो मेक श्योर ऐसी जगह ना ही आए तो ज़्यादा बेटर है। एंड सत्यम सर, क्योंकि हम लोग अंदर गए काफ़ी हम लोग को एक एनर्जी महसूस होती है जो, तो गाइस लिटरली ऐसा हम लोग को फील हो रहा था जैसे कि हम लोग साथ में चल रहे थे तो कुछ चलने की आवाज़ें हम लोग को लगी, तो उससे ज़्यादा हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए। घूमने के लिए आपको रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि आप डेस्टिनेशन व्लॉगर में तो आपको वही चीज़ रिकमेंड करी जाती हैं जो कि घूमने के लायक होती हैं, तो सॉरी गाइस ऐसा कुछ यहाँ घूमने के लिए नहीं है। एंड अगर आप थोड़ा सा एडवेंचरस या हॉरर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप मेक श्योर दोपहर के टाइम आइए, शाम के टाइम बिल्कुल मत आइए क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा एंड क्योंकि आप जानते हैं अंधेरा है, हर चीज़ की दो पहलू होती है, उजाला है तो कहीं अंधेरा है, अंधेरा है तो हर चीज़ आपको बताई नहीं जा सकती, आप समझदार हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती हैं मैं मानता हूँ, सो उनसे मजाक हम लोग को नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम लोग आए सिर्फ एक्सप्लोर करने के पर्पज़ से आए थे, सो हम लोग को थोड़ी बहुत फील हुआ कि ऐसा कुछ है तो हम लोग ने वही व्लॉग वहीं पर स्टॉप कर दिया। एंड हम लोग नीचे आ चुके हैं, देख सकते हैं हम लोग नीचे आ चुके हैं, और हमारे सत्यम भाई बताएंगे कैसा लगा आज का व्लॉग। में आज का व्लॉग कसम से डरावना था थोड़ा बहुत, फिर भी बहुत अच्छा लगा, पहला व्लॉग अच्छा लगा भाई क्योंकि के साथ। तो भाई को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ और सॉरी सॉरी सॉरी, तो हम आप लोग को गाइस बताना भूल गए, ये हमारे सत्यम भाई हैं, ये मेरे जो है एक क्या बोलते हैं परम मित्र हैं। पूछे कैसे बताइए, पता नहीं पर परम मित्र है हमारे। वो इस हिसाब से क्योंकि हम लोग जो है सेकंड क्लास से साथ में एंड नव ईयर परसुइंग ग्रेजुएशन, सो ग्रेजुएशन भी साथ कर रहे हैं एंड आगे भी साथ में रहेंगे, तो चेहरे याद कर लीजिए, नज़र आते रहेंगे। यहाँ पे एक भाई हैं जिनसे आपको मिलाना चाहते हैं, इधर आ जाइए, तो सबसे पहले पब्लिक को हमारे हेलो कर दीजिए। हेलो सर, आप यहीं पे रहते हैं परमानेंटली? जी सर। तो आप हमारी पब्लिक को ये बता दीजिए कि यहाँ पे मतलब आपने इतने टाइम से रह रहे हैं तो इसके बारे में कुछ सुना या कुछ आपने अभी तक कुछ देखा ऐसा? अब लोग तो यही कहते हैं कि रात में भूत आता है या कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं भूत किस्म के, मतलब लोग इसीलिए लोग आदमी कहते हैं कि भूतिया महल है। अच्छा, ये लखनऊ का भूतिया महल, आप कभी अंदर गए ऐसा? मैं तो गया तो कई बार हूँ लेकिन रात में एक्चुअली नहीं, लेकिन जो लोग परमानेंट रहते हैं रात में देखते हैं, अगल बगल बस्ती वाले देखते हैं, वो लोग बताते हैं कि ऐसा कुछ लगता है कि रात में आवाज़ें आती हैं। अच्छा, आवाज़ें किस टाइप की आवाज़? हाँ, बच्चों जैसे आवाज़ आती हैं, चीखने की, रोने की आवाज़, रोने की आवाज़, और जैसे पायल बजती हुई, जैसे मतलब कोई लेडीज चल रही हो पायल बजती है, लोग कहना तो यही है, मैं चलो अच्छा देखा नहीं हूँ लेकिन लोग कहते हैं जो यहाँ परमानेंट के रहने वाले हैं, लोग ये कहते हैं कि रात में 12-1 बजे करीब ऐसा लोगों को एहसास होता है। हाँ, मतलब क्योंकि जब एक्चुअली हम इसके अंदर गए थे तो काफ़ी कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था एंड अंधेरा होने की वजह से मतलब हम लोग जैसे चल रहे थे तो वहाँ पर हम लोग को भी थोड़ा बहुत फील हुआ इस हवेली के अंदर में, तो वही चीज़ हमने वहाँ पे देखा एंड हमने सोचा कि आपसे पूछ लेंगे तो आप कुछ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे देंगे हमारी पब्लिक को। तो ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन रात में आने पे लोगों का जो अगल बगल परमानेंट के निवासी हैं वो लोग ये ऐसा ही महसूस करते हैं। अच्छा, अभी अच्छा तो कोई नज़रों देखा नहीं है लेकिन लोग अगल बगल के यही बताते हैं कि रात में ऐसा कोई अनुभव लगता है, जैसे कोई चलने की आवाज़, कोई बच्चे के रोने की आवाज़, इस तरह के लोगों को महसूस होता है। क्योंकि खाली जगह है तो खाली जगह में एक कहावत नहीं, शैतान का वास होता है, तो उसी तरह कह सकते हैं कि हवेली में ऐसा कुछ रहा होगा। तो गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं एंड दोबारा मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊँगा क्योंकि आप व्लॉग देखा ही होगा आपने। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एंड वीडियोस कलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं एंड निकलने के बाद आप पूरा ब्लॉग तो देख ही चुके होंगे एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।